अगर आप भी AI का यूज़ करके वीडियो जनरेट करना चाहते हैं या फिर कार्टून कैरेक्टर जनरेट करना चाहते हैं या फिर कोई इमेज जनरेट करना चाहते हैं या फिर कोई स्टोरी लिखवाना चाहते हैं तो आपको कोई वेबसाइट नहीं मिल रही है जिसके यूज़ करके आप फ्री में इमेज या फिर वीडियो या फिर स्टोरी जनरेट कर सकें, तो आज मैं आपको व्हाट्सअप का यूज़ करके AI का यूज़ करना बताऊँगा कि किस तरह से आप व्हाट्सअप की मदद से AI का यूज़ कर सकते हैं। और वो ऑप्शन भी आपको व्हाट्सअप में मिलेगा जिसमें आप इमेज वीडियो स्टोरी वगैरह कुछ भी आप जनरेट कर सकते हैं जो भी आपकी इच्छा हो, वो भी बहुत ही आसान तरीके से बिल्कुल फ्री में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आप व्हाट्सअप पर यूज़ कैसे करेंगे और उसका यहाँ पर लाइव प्रूफ भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन अगर आपको वो ऑप्शन नहीं मिला है तो वो भी मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आपको वो ऑप्शन मिलेगा और कहाँ से वो ऑप्शन मिलेगा, किस तरह से वो यूज़ होता है और किस तरह से आप वहाँ से इमेज या फिर स्टोरी वगैरह जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं देखिए यहाँ पर व्हाट्सअप को ओपन करता हूँ और यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर इसको ओपन कर लिया है व्हाट्सअप पर। और यहाँ पर देखिए मेटा AI जो यहाँ पर वेरीफाइड है यहाँ पर व्हाट्सअप की तरफ से, जो कि यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैसेज आर जनरेट बाई AI। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर लिखा, प्लीज़ राइट ए स्टोरी शॉर्ट स्टोरी ऑफ लिटिल बॉय 100 वर्ड्स। तो यहाँ पर देखिए स्टोरी आ गई, मैंने लोइन की यहाँ पर पिक्चर यहाँ पर जनरेट करने को बोला तो यहाँ पर देखिए पिक्चर्स आ गई। यहाँ पर ए पिक ऑफ लिटिल बॉय हु रीडिंग बुक, यानी कि एक छोटा बच्चा जो किताब पढ़ रहा हो, तो यहाँ पर देखिए ये इमेज यहाँ पर आ चुकी है। अब मैं इसको यहाँ पर सेव भी कर सकता हूँ, यानी कि मेरी गैलरी में यहाँ पर सेव हो चुकी है। तो आप भी यहाँ पर कुछ भी मैसेज लिखकर यहाँ पर इसको सेंड करेंगे तो यहाँ पर आपकी इमेज जनरेट होकर आ जाएगी। लेकिन आपको ये ऑप्शन कैसे मिलेगा अगर आपको ऑप्शन नहीं मिला है तो यहाँ पर चले जानते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर सिंपली आपको बैक आ जाना है और यहाँ से मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद आपको चले जाना है प्ले स्टोर पर और यहाँ पर आपको सर्च बार में सर्च करना है व्हाट्सअप। व्हाट्सअप जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पर व्हाट्सअप आ जाएगा। देखिए अब ये अपडेट मांग रहा है, देखिए मैंने पहले भी अपडेट कर लिया है, फिर से अपडेट मांगने लग गया। तो आपको अपना व्हाट्सअप यहाँ पर अपडेट कर, देखिए मैंने यहाँ पर इसको अपडेट कर लिया, आप भी अपडेट कर लेना। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक प्लस वाला आइकन होता है, ये देखिए यहाँ पर प्लस वाला आइकन है, इसके ऊपर यहाँ पर ब्लू कलर का एक छोटा सा आइकन और दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये मैंने यहाँ पर पहले से बना रखी है इसलिए ये यहाँ आ रहा है, आपको खाली बॉक्स मिलेगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है मैसेज, तो आपको यहाँ पर अपना मैसेज लिखना है कि यहाँ पर आप क्या चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए शॉर्ट स्टोरी ऑफ एल लोइन 100 वर्ड्स, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 100 वर्ड्स, देखिए 100 वर्ड्स, और इसको सेंड कर देता हूँ। सेंड करने के बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारी स्टोरी यहाँ पर जनरेट होना स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर देखिए स्टोरी पूरी यहाँ पर आ चुकी है, हियर इज़ ए 100 वर्ड शॉर्ट स्टोरी अबाउट ए लोइन, लोइन के बारे में यहाँ पर एक शॉर्ट स्टोरी यहाँ पर लिखकर आपको मिल गई है। अब मुझे चाहिए यहाँ पर एक इमेज, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं क्रिएट ए इमेज ए लोइन हु ड्रिंकिंग वाटर, इसको मैंने लिखकर यहाँ पर सेंड कर दिया। मेरे को मतलब इंग्लिश में कुछ मिला जुला लिखा है मैंने यहाँ पर, इतनी फास्ट इंग्लिश या इतनी अच्छी इंग्लिश मेरे को नहीं आती, फिर भी मैंने यहाँ पर कोशिश करी। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा और ये यहाँ सेंड किया, तो यहाँ पर देखिए इमेज यहाँ पर आ चुकी है कि एक लोइन जो कि यहाँ पर पानी पी रहा होता है, तो यहाँ पर देखिए इसकी इमेज यहाँ पर आ चुकी है। मैं और भी यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए ए बॉय हु गोइंग टू स्कूल, यहाँ पर लिखता हूँ मैं इमेज क्रिएट, इसको सेंड करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको सेंड किया, यहाँ पर देखिए ब्लूटेक आ गया, यानी कि AI ने हमारा यहाँ पर मैसेज रिसीव कर लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर आ रहा है, देखिए यहाँ पर ये देखिए इमेज यहाँ पर आ चुकी है, देखिए मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, देखिए यहाँ पर इमेज आ चुकी है यहाँ पर। अब इस तरह से आप यहाँ से कुछ भी आप जनरेट करवा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर ये पांडा की इमेज जो है यहाँ पर जनरेट करवा ली। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा, देखिए यहाँ पर जनरेट वीडियो ऑफ दिस पिक्चर, यानी कि इसका वीडियो बनाइए। तो यहाँ पर देखिए एनिमेटेड वीडियो छोटा सा यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पिक्चर यहाँ पर आप देखेंगे नॉर्मल है, उसके बाद ये एनिमेटेड यानी कि हल्की फुल्की वीडियो में कन्वर्ट हो चुकी है। तो इस तरह से आप व्हाट्सअप का यूज़ करके यहाँ से व्हाट्सअप की मदद से भी मेटा AI का यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर फोटो वीडियो स्टोरी वगैरह आप कुछ भी यहाँ से जनरेट करवा सकते हैं। आपको कोई भी यहाँ पर पैसा नहीं देना, बिल्कुल फ्री है, जो कि मेटा की तरफ से व्हाट्सअप की तरफ से एक कोई भी आपको वेबसाइट पर लॉगिन नहीं करना, कोई भी वेबसाइट को आपको या फिर कोई ऐप को आपको डाउनलोड नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर कुछ पैसे भी देने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री में आप AI का यूज़ कर सकते हैं व्हाट्सअप की मदद से। तो इस तरह से आप व्हाट्सअप का यूज़ करके AI का यूज़ करके आप अच्छी अच्छी वीडियोज़ इमेज वगैरह यहाँ पर
क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों ये अपडेट आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जरूर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, साथ में कमेंट बॉक्स में भी बता देना कि ये अपडेट आपको मिला या नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।